दोस्तों आज हम लाइव क्लैंप मीटर से ये जो ट्रांसफार्मरलेस इन्वर्टर है 8 बैटरी को पैरल करेंगे और देखेंगे कितना कितना ये शेयरिंग कर रहा है और क्या 8 बैटरी को ये चार्ज कर पाएगा, इसकी लाइव टेस्टिंग होगी आपके सामने। इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत काम का वीडियो होने वाला है। पहले आप लोग देख लो, यहाँ पे हल्का हल्का धूप है, देख सकते हैं, मतलब कि धूप उतना नहीं, एकदम हल्का हल्का है दोस्तों। मैंने यहाँ पे बैटरी को देखो पैरल मैंने कर दिया है, यहाँ पे देखो चिमटी लगा के मैंने, और यहाँ पे चार्जिंग इसमें 60 एम्पियर से कर रहा है। अगर मैं वाटेज की बात करूँ तो इस समय आ रहा है मतलब कि 3700 से 3800 वाट मतलब कि आ रहा है सोलर से इस समय। अब मैं यहाँ पे पैरल करूँगा चेक करने के लिए, देखता हूँ कितना आता है। वैसे पैरल तो मैंने कर दिया है, मैं यहाँ पे देखो इसको डीसी पे मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया है, आप देख सकते हैं। अब मैं लगाऊंगा टोटल यहाँ पे, देख रहे हैं आपको यहाँ पे, सॉरी देख रहे हैं यहाँ पे 63 से देख रहे हैं यहाँ पे इतना ये आ रहा है। अब अगर मैं एक बैटरी पे लगाता हूँ, एक ग्रुप के बैटरी पे 33 एम्पियर इधर दे रहा है इस वाले ग्रुप पे, और 33 एम्पियर 31 से 32 एम्पियर इधर दे रहा है, क्योंकि जो ए बैटरी है, ए वाली ग्रुप की बैटरी है, ए बैटरी थोड़ा चार्ज है, ए बैटरी डाउन है। तो पैरल में काम कैसे करता है थोड़ा मैं आपको आज बहुत अच्छी बातें बताऊंगा। ए बैटरी देखा थोड़ा चार्ज है और ए बैटरी थोड़ा कम चार्ज है, एक काम क्या करेगा कि जो बैटरी थोड़ा चार्ज है उसको कम देके और जो कम चार्ज हो ज़्यादा उसको देगा एम्पियर चार्जिंग के लिए, दोनों को लेबल करेगा। मतलब कि अगर ए आपका बैटरी जो है मतलब कि चार्ज है और ये चार्ज नहीं है, तो क्या करेगा कि जो चार्ज नहीं है उसको सप्लाई ज़्यादा देके दोनों का पैरामीटर लेबल करेगा, फिर लेबल बराबर दोनों में शेयरिंग करेगा। पैरल में काम ऐसा होता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये चार्जिंग करता है, और यकीन मानो कोई भी इसमें हीटिंग नहीं है। मैं आपको यहाँ पे हाथ लगाता हूँ इस समय, जो कि 60 एम्पियर दोस्तों बहुत ज़्यादा चार्जिंग होता है। आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा चार्जिंग कैसे कर रहा है, दोस्तों ये कमाल का चीज़ है। और इसकी मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ विदाउट वारंटी। मैं देखना चाहता हूँ कि विदाउट वारंटी क्या ये सर्वाइव कर पाता है कि नहीं कर पाता है। और यहाँ पे देखते हैं कि मेरी बैटरी को कितने अच्छे तरीके से ये लेके जा रहा है चार्जिंग के ऊपर। एक बार मैं आपको खोलता हूँ ढक्कन, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊँ आपको। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये बैटरी कम चार्ज है, इसका जो तेजाब है अभी देखते खोल नहीं रहा, हल्का हल्का आ रहा है क्योंकि ये बैटरी डाउन हो थोड़ा। अब ए बैटरी जो है हमारा चार्ज है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ क्योंकि ए बैटरी थोड़ा चार्ज है, तो चार्ज बैटरी का आपको अलग रहेगा। इसको मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों ए बैटरी जो है, देख रहे हैं ए बैटरी चार्ज है इसीलिए बैटरी थोड़ा से कम खोल रहा है, और ओ बैटरी में थोड़ा से अभी चार्जिंग कम है। तो मैंने जस्ट अभी पैरल किया है, टाइमिंग नहीं हुआ है, जैसे वीडियो मैंने स्टार्ट किया तो ऐसे ही मैंने पैरल किया। तो फ्रेंड देखो पैरल के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है, इसमें कोई कमी नहीं है। पैरल में तो ये एक नंबर काम करेगा, चार्जिंग करेगा। बट हाँ, कभी पैरल में आप लोड लेने की कोशिश मत करना, पैरल में काफ़ी ज़्यादा बैटरी का जो पावर होता है लॉसेस होता है। तो ये बातों का आप लोग ध्यान देना, क्योंकि पैरल में आपकी बैटरी ज़्यादा नहीं चलेगी। अगर आपकी बैटरी सेम है, सेम टाइम का है, तो दिक्कत नहीं होगा। अगर आपकी बैटरी आगे पीछे टाइम का है तो दिक्कत करेगा, ये बातें याद रखना। तो आपने देखा कि कैसे पैरल में फर्स्ट क्लास काम कर रहा है बिना किसी दिक्कत प्रॉब्लम का, और कोई शिकायत इसमें देखने को नहीं मिला है। तो आपने देखा कि, और मैंने इस इन्वर्टर पे 550 वाट के पैनल लगाए हैं, 8 पैनल लगा है, समझे ना, 8 पैनल इसके अंदर लगा है पैरल में जो है। और आपने देख ही लिया। टाइमिंग की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखा 2:15 हो रहा है, देख रहे हैं 2:15 पे ये इतनी चार्जिंग निकाल रहा है, कोई झूठ बातें नहीं है। अभी देखो 58 हो गया, क्योंकि बैटरी जैसे जैसे चार्ज होगा वैसे वैसे एक कम होता जाएगा। इसका सिस्टम मैंने आपको दिखाया लाइव इस वीडियो में, आपने देख लिया, जान लिया। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।